मध्य प्रदेश के नगरीय निकाय चुनावों में पहली बार अपना भाग्य आजमा रही आम आदमी पार्टी ने चुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। शुक्रवार को दिल्ली की कालकाजी विधानसभा क्षेत्र से विधायक आतिशी मार्लेना ने राजधानी भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा सरकार को आड़े हाथों लिया। देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। विधायक आतिशी मार्लेना ने कहा कि भाजपा के सत्ता होने के बावजूद भी प्रदेश के हर शहर का बुरा हाल है। प्रदेश के किसी भी शहर में कदम रखिए, हर जगह गंदगी का अंबार लगा हुआ है। भोपाल में प्रवेश करते ही स्वागत कूड़े के पहाड़ से होता है। आप विधायक आतिशी सिंह ने कहा कि प्रदेश की सड़कें खस्ता हाल हो चुकी है, सड़कों के निर्माण में भारी भ्रष्टाचार हुआ है। ट्रेन से आई तो भोपाल, जब आप ट्रेन से आते हैं तो आपका स्वागत एक बहुत बड़ा कूड़े का पहाड़ करता है। भोपाल एक ऐतिहासिक शहर है। ये शर्म की बात है कि इस ऐतिहासिक शहर में, मध्य प्रदेश की राजधानी में, आपका स्वागत एक कूड़े के पहाड़ द्वारा होता है। लेकिन आज के मध्य प्रदेश की यही सच्चाई है। ना सिर्फ कूड़े के हालत हम देखें, पर बल्कि हम जो देखें कि पूरे जो शहरी इलाके में सड़कों का बहुत बुरा हाल है। भोपाल में रिसेंटली जो सारी सड़कें नगर निकाय द्वारा बनाई गई हैं, ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि बनने के बाद, नई सड़कें बनने के बाद भी उनमें कितनी तोड़फोड़ हो गई। तो सवाल तो ये उठता है कि ये जो सड़कें बनी, इन सड़कों का जो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, उसमें किसने पैसा खाया, कितना पैसा खाया कि इतने कम समय में उन सड़कों का बुरा हाल। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के बुरे हाल है, दवाइयों की कमी भी बनी हुई है, अस्पतालों की दीवारों को लोगों ने पान गुटके की पीक से रंगा हुआ है, प्रदेश के सरकारी स्कूलों में भी पढ़ाई नहीं हो रही है, हर साल स्कूल बंद हो रहे हैं, जबकि दिल्ली में 2 लाख स्कूलों ने प्राइवेट स्कूल के नाम वापस लेकर सरकारी स्कूलों में प्रवेश ले लिया है, जबकि दिल्ली में 2 लाख बच्चों ने प्राइवेट स्कूल से नाम वापस लेकर सरकारी स्कूलों में प्रवेश ले लिया है। मध्य प्रदेश के स्कूलों में पेयजल और बिजली की व्यवस्था ही नहीं है, इसका बड़ा कारण भाजपा के नेता ही हैं। वहाँ पे हम अंदर जाएं तो डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर है तो दवाई नहीं है। वहाँ पे एक चीज लेकिन जरूर मिलती है, वो है पान की पीक। ये आपको, आप किसी भी नगर निगम के प्राइमरी हेल्थ सेंटर में चले जाइए, आपको साफ सफाई नहीं मिलेगी, आपको डॉक्टर नहीं मिलेंगे, आपको दवाइयाँ नहीं मिलेंगे, टेस्ट होते हुए नहीं मिलेंगे, लेकिन पान की पीक आपको ज़रूर मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता खुद प्राइवेट अस्पताल चलाते हैं, खुद प्राइवेट नर्सिंग होम चलाते हैं। तो जो खुद प्राइवेट नर्सिंग होम और अस्पताल चलाएंगे, वो क्यों चाहेंगे कि हमारे सरकारी प्राइमरी हेल्थ सेंटर अच्छे से चलें? अगर प्राइमरी हेल्थ सेंटर अच्छे चलेंगे तो इनकी प्राइवेट अस्पतालों की दुकान बंद हो जाएगी, प्राइवेट नर्सिंग होम्स की दुकान बंद हो जाएगी। यही हाल मध्य प्रदेश के सरकारी। इस मौके पर आप विधायक आतिशी मार्लेना ने आम आदमी पार्टी की जीत पर वादा किया है कि वो हर बार की तरह इस बार भी अपने वादों को निभाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News भोपाल।